तो मेरे सभी भाइयों का राम राम। कैसे हो आप? और बढ़िया ही होंगे उम्मीद है। तो भाई घर के बाहर ही रहता हूँ, बिल्कुल नहीं घूमता। आप लोग कमेंट करो कि भाई घर में रहकर घर के बाहर ही हूँ, यहाँ पे इतना सा बस बाहर निकल रहा हूँ और किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहा भाई। वीडियोस बनानी यार आप लोगों के लिए, और आप लोग घर पे बैठे रहो और टाइम पास सही होता रहा इसलिए वीडियो बनाते। तो भाई लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। हाँ तो भाई जैसे कि आपने टाइटल तो देखा ही होगा, आज की जो वीडियोस टॉपिक रहने वाला भाई, जब मेरे पास ये दो गाड़ियाँ नहीं थी ना, उससे पहले से ही चला रहा हूँ मैं इसको, और आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। नहीं लगा होगा तो भी आप आगे देख ही लेंगे कि भाई किस बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ ना उसकी चाबी, ये है उसकी चाबी अंदाजा लग गया होगा। तो भाई अब जो है ना मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, पूरा एक ही शॉट में वीडियो बना रहा हूँ, ना कुछ कट करूँगा ना कुछ। तो भाई चलते हैं और दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ तो भाई सबसे पहले जो ना अपने पास ये आई थी भाई, ये और ये रही इसकी चाबी, उसके बाद आई थी ये, उसके बाद आई थी ये, और फिर आई थी ये। तो ये सीन है कि भाई ऐसे एक दो और तीन और चार, तो इन सबको छोड़ते हैं भाई। इससे ना जो अपने मॉडिफिकेशन स्टार्ट करी थी, मतलब सही मायने मेरे से पूछा जाएगा कि सबसे पहली कौन सी चीज़ है जिस पर तुमने मॉडिफिकेशन स्टार्ट करी थी, तो भाई मैं नाम लूँगा इसका। तो सबसे पहले अपने क्या काम करा था, बहुत सी चीज़ें इसमें से जो हट चुकी हैं अभी तक। भाई यहाँ पे लिखवाया था अपने हर्ष HARSH, ये लिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा, तो ये लिखवाया था सबसे पहले, और उसके बाद भाई जौहान लिखवा लिया था यहाँ पे पीछे, अब मिट चुका है क्योंकि कम से कम लिखवाए हुए मैं ज़्यादा नहीं, तो आपको बताऊँ इसको लिखवाए हुए हो गए होंगे करीबन 7-8 साल हो गए होंगे लिखवाए हुए से, और 10 साल के आसपास जो है अपनी ये पुरानी हो चुकी है। तो भाई आज भी जो है स्टार्ट तो हो जाती है, पर स्टार्ट होने में थोड़ी बहुत दिक्कत देती। देखो इसको ऐसे ऑन करोगे और उसके बाद ये क्लच दबाना होगा, क्लच के बाद यहाँ से ये देखो ऐसे कटन कटन करती, क्लच भी ना दबाओ तो ये सॉरी इस तरफ का जो ब्रेक है दबाओ, वो भी ना दबाओ तो भी स्टार्ट हो जाती कई बार। ये देखो ये हो गया स्टार्ट, मतलब 2-3 बारी में स्टार्ट हो जाती है। इसका जो मीटर है ना ये काम नहीं कर रहा है। और भाई एक चीज़ बताऊँ आपको, देखो चाबी ऐसे निकल जाती है आराम से, ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपकी जो ये है व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा यूज्ड है, बिकॉज इसके जो ये दांते होते हैं ना ये घिस जाते हैं। तो भाई यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना इतनी ज़्यादा चल चुकी है ये कि बुरी तरह से इस पर निशान पड़ चुके हैं, पूरा फेड हो चुका है ये। पर भाई और बताता हूँ मैं आपको इसके ऊपर बंद करके, चलती वलती सही एकदम, स्पीड वीड ठा लेती एकदम बढ़िया से। दूसरी चीज़ मैंने क्या क्या करवाया था भाई, अब तो सब कुछ हट चुका है इसमें क्योंकि इतने साल हो गए, अब गाड़ी पे ज़्यादा मोटिवेशन था देता हूँ। अगर इस पर रिस्टोरेशन वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट करिएगा, इसकी रिस्टोरेशन भी बनाएंगे। तो भाई यहाँ पे जो है मैंने लाइटें लगवाई थी इसके अंदर जो है ना, रेगुलर टायर इसके अंदर लाइटें लगवाई थी, पीछे वाले टायर उसमें लाइट लगवाई थी, और भाई साइड में यहाँ पे लाइट लगवाई थी। अब 8 साल पहले ना वीडियो था ना फोन था तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर भाई अच्छी लगती थी, जैसी भी लगती थी बढ़िया लगती थी। और नीचे भी लाइट लगवा रखी थी भाई ने, जैसी चलती थी ना सड़क पे तो दिखता था भाई हाँ अपनी स्कूटी आ रही है। तो ऐसी कुछ थी जो भाई अपनी स्कूटी थी उस टाइम पे, और भाई आज भी मतलब कभी इमरजेंसी में काम आ जाती है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम इसको छोड़ रखा है, इमरजेंसी में काम आ जाती है बढ़िया से। तो भाई इस पर मॉडिफिकेशन सोच रहा हूँ दोबारा से स्टार्ट करूँ, जो भी उपाय करूँगा, कलर वलर है साइड वाइड में मारूंगा, रिस्टोरेशन करूँगा इसका, पॉलिश वॉलिश। तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो बनानी थी मैंने, पूरी देख लीजिए भाई, हालत बड़ी ख़राब है बट चलती है फिर भी, काम आ जाती है सही से। यहाँ से आपको दिख रहा हूँ ना देखो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अरे काफ़ी पुरानी हो चुकी है इसलिए ऐसी इसकी हालत है। तो ऐसी कुछ है, और भाई सही मायने में बताऊँ ना जब स्कूटी मतलब ये भी ना आई थी ना, ये दोनों इस ये तीनों नहीं आई थी उससे पहले की है मेरे पास, तब से मैं इसको चलाने लग रहा हूँ। तो भाई सबसे पहला प्यार तो यही है अपना, सही बताऊँ। और भाई इससे पहले भी अपने पास एक मारुति 800 थी, वो तो बेच चुके हैं स्क्रैप में, बिकॉज 2000 मॉडल था वो, तो वो बेच चुके हैं क्योंकि चल भी नहीं रही थी और खड़ी रहती थी तो ख़राबी हो रही थी, तो बेच दी। बट हाँ ये इस पर मॉडिफिकेशन करी थी, मारुति में इतनी कोई खास मॉडिफिकेशन करवाई नहीं थी मैंने 800 में, इससे मॉडिफिकेशन करी थी। और सबसे पहले चलाना भी यही सीखा था, सही बताऊँ तो आपको, मारुति तो चलाई बाद में थी, बहुत बाद में चलाई थी, ये सबसे पहले चलाई थी, और इसका एक्सीडेंट वैक्सीडेंट भी होता बहुत भयंकर वाला, तो ऐसा कुछ है। खैर आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आई, पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।